हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई हैं। आज की वीडियो मैं एमपीबी के अधीक्षक यंत्री मिस्टर सुब्रत रॉय के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा मीटर रीडिंग चार्ट वाला जो आइडिया था वो कॉपी किया है, जिसकी खबर आज इन्होंने डीवी स्टार में थर्ड पेज पर छापी है, जिसकी स्क्रीनशॉट आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा। इन्होंने मेरा मीटर रीडिंग वाला आइडिया कॉपी किया, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे काम कर ही रहा था। आज इन्होंने मेरे द्वारा डिज़ाइन किया हुआ मीटर रीडर चार्ट को एक नया नाम दिया है। इन्होंने मेरे मीटर रीडिंग चार्ट के आइडिया को यूनिट रीडिंग कार्ड दिया है, क्योंकि अब जो नाम मैंने दिया है वो तो ये दे नहीं सकते, क्योंकि भले मुझे ये क्रेडिट नहीं देंगे लेकिन ये सब जानते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा जो मैंने बनाया था, मैंने मीटर रीडिंग चार्ट के ऊपर जो मेरा पहला वीडियो बनाया था वो 25 दिसंबर को बनाया था, जिसकी पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखेगी। इसके बाद 26 दिसंबर को मैंने इस मीटर रीडिंग चार्ट के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट किया था मेरी वेबसाइट mpbcorruption.in पे, उसकी भी पूरी डिटेल आपको वीडियो के स्क्रीन में अभी दिखेगी। आज से 3 महीने पहले ही मैं ये चार्ट डिज़ाइन कर चुका हूँ, और इसके ऊपर मैं टोटली अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें से एक मेरा वीडियो अभी रिसेंटली 8 से 10 दिन पहले ही आया था। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप मेरे जितने भी अभी तक वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने 2 वीडियो अभी मीटर रीडिंग चार्ट के ऊपर बनाई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज डीवी स्टार में थर्ड पेज पर इसके ऊपर खबर आई है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा पाऊँगी। ये देखिए, ये आज का डीवी स्टार है। इसमें जो है लिखा हुआ है कि अब मीटर के पास में रखा जाएगा यूनिट रीडिंग कार्ड। इन्होंने नाम दिया है उसको यूनिट रीडिंग कार्ड, और मैंने नाम दिया था मीटर रीडिंग चार्ट। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे दिए हुए आइडिया को एमपीईबी को मानना पड़ रहा है, भले वो मुझे इसका क्रेडिट नहीं दें, पर ये चीज़ अब पूरे इंदौर के लोगों को पता है, क्योंकि लगभग मैं अभी तक टोटल इसके ऊपर 15 वीडियो बना चुका हूँ एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर, जिसमें से मेरी जो 5th वीडियो थी वही मैंने मीटर रीडिंग चार्ट के ऊपर बनाई थी। उसके बाद अभी लगभग मेरी 12th वीडियो जो है 12th या 13th वीडियो थी जो मैंने मीटर रीडिंग चार्ट के ऊपर बनाई थी। तो इससे मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे आइडिया को एमपीईबी के सर्कल इंजीनियर मिस्टर सुब्रत रॉय डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं बिना मुझे क्रेडिट दिए। लेकिन इससे मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे भी चाहता था कि मेरे आइडिया इंदौर के लोगों को और बाकी जो मीटर के रीडिंग में हो रहे घपलों की वजह से परेशान थे, आज उन्होंने खुद आगे आकर के उसको पेपर के न्यूज़पेपर के अंदर जो है उसको उनको आर्टिकल छपाना पड़ा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इस मीटर रीडिंग जैसे चार्ट को जिसको लेकर के मैंने जो वीडियो बनाए थे उस आइडिया को उनको आज उनकी मजबूरी हो गई है ये, कि जो आइडिया मैंने आज से 3 महीने पहले जिस आइडिया के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, आज ऐसी मजबूरी उनकी हो गई है कि उनको ये मजबूरन प्रेस में आकर के जो है इसको रिलीज़ करना पड़ रहा है, जिसकी उन्होंने जो न्यूज़पेपर में उसकी तारीख उन्होंने दी कि इसको अप्रैल से लागू करेंगे, और सभी एई और जेई को जो जोन के एई है उनको इस बारे में अवगत कराया जाएगा। इसमें आप डिटेल में पढ़िएगा कि इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक लेवल पर करने की बात कही है। अभी मैं आगे नोटिस करूँगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि मीटर रीडर के अलावा जो उनसे ऊपर सीनियर जो होते हैं उनको भी इसके स्ट्रिक्टली इसको रूल्स को फॉलो करवाया जाएगा। अब देखते हैं आगे इसको कैसा करते हैं, पर बस मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा दिया हुआ आइडिया इनडायरेक्टली एमपीईबी ने आखिर इसको जो है अप्रैल से लागू करने के लिए प्रेस में जो है इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। मैं एमपीबी को बताना चाहूँगा कि अभी ऐसे बहुत सारे आइडिया मेरे पास है और बहुत सारे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप अपना काम ठीक से करें नहीं करें, लेकिन मैं एमपीबी में हो रहे घपले और ओवर बिलिंग और जितने भी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको मैं अपनी स्टाइल में ही सही करूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।